कन्हैया को परिभाषित करो तो कुछ लोग रिश्तों से करते हैं, कुछ लोग समुदाय में उसके विशिष्ट पद से करते हैं, कुछ लोग उसके भविष्य की कल्पना करके उस महिला पर अपना जजमेंट सुनाते हैं, कुछ लोग जो प्रतिद्वंदी हैं लेकिन हार गए उनके मुख से कुछ अजीबोगरीब शब्द निकलते हैं, और कुछ ऐसे जो मात्र दर्शक हैं उसके तेज का, उनसे पूछो कि इस महिला को किन शब्दों से अलंकृत करोगी तो उनकी वाणी भी विशेष होती है। लेकिन उस महिला की इर्द गिर्द की कहानियां ही उस महिला का स्वभाव बताती है। इसलिए 8 मार्च लेबर को मात्र समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और हम जानते हैं कि महिला का उल्लेख सिर्फ एक वर्ग के माध्यम से नहीं होना चाहिए। हर दिन महिला का इसलिए है क्योंकि हम मात्र परिवार का हिस्सा नहीं, हम मात्र समाज का हिस्सा नहीं, राष्ट्र की अगर उन्नति करनी है तो महिला की उन्नति जरूरी है और महिला को उन्नति का केंद्र जरूर बनाना जरूरी है। महिला दिवस एक दिन नहीं है, बट इस दिवस के भरोसे हम पूरी जिंदगी खाट सकते हैं। इसीलिए इस दिन की संरचना की गई होगी कि महिलाओं को आज इम्पोर्टेंस लगे। दिल्ली में हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को यहाँ बुला के माननीय मंत्री जी ने सम्मानित किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सामाजिक जीवन में भी हर महिला उल्लेखनीय कार्य करती है, अपने परिवार को संभालना, समाज को चलाना, अपने व्यापार को चलाना और उसके बाद सामाजिक बुराइयों से लगातार लड़ना। तो महिलाओं का सम्मान मात्र एक दिन का विषय नहीं है, ये 365 दिन का विषय है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है और 8 मार्च को होली का त्यौहार भी है, उस दिन कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज पूरी दिल्ली में जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं हमने एक कोशिश करी कि आज हम महिला दिवस में उनको बुलाएं। पूरी दिल्ली से महिलाएं यहां आईं और सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि हमको दासी भी नहीं बनना, हमको देवी भी नहीं, हमको बराबरी का दर्जा चाहिए। और हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सार्थक भी किया। उनकी कैबिनेट में आज 11 मंत्री महिलाएं हैं और उन्होंने ऐसे मंत्रालय महिलाओं को दिए कि वो नाम के मंत्रालय नहीं, पहली बार देश में विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री महिलाओं के हाथ में दी। और हमारे मध्य आज स्मृति जी आईं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें रखीं। एक महिला होने के नाते भी उन्होंने कहा कि महिला को अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए भी समय जीना चाहिए। एक शिक्षा उन्होंने आज एक महिला होने के नाते हम सबको दी कि हम औरों के लिए तो जीते हैं, कभी कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। महिला दिवस एक दिन नहीं है, बट इस दिवस के भरोसे हम पूरी ज़िंदगी खाट सकते हैं। इसीलिए इस दिन की संरचना की गई होगी कि महिलाओं को आज इम्पोर्टेंस लगे। एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगिता जी, आज के संबोधन में स्मृति जी ने महिलाओं की आंखें नम कर दी, ना केवल महिलाओं की अपितु सभागार में बैठे हुए हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उनके संबोधन के बारे में देखिए, मैंने कहा ना कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, उससे अलग एक माँ हैं, एक पत्नी हैं। वो आज मंच पे सभी ने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने राजनेता होने के कारण जो कहना था कहा, पर अंत में उनके अंदर की वो महिला के बारे में उन्होंने कहा कि हर महिला अपने आप में खास है और हर महिला को अपनी ज़िंदगी ज़रूर जीनी चाहिए। देखिए जी, जहाँ 4 महिला खड़े हो जाएं, जोर शोर तो वहीं हैं और आज तो आप देख ही रहे हैं। अगर मैं
आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है, महिला इज इक्वल टू जोशीलापन, महिला के बिना ना तो कोई तीज है ना त्योहार, ना ही गृहस्थी। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बात बता दी कि महिला के बिना तो राजनीति भी 0/0 है। उन्होंने जो महिलाओं को स्थान दिया, उनकी जो पोटेंशियल को पहचाना, उनके बारे में जो बताना चाहा, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सारी महिलाओं की तरफ से।